हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं नहा धो के खाना पीना खा के अपना पूजा पाठ करने के बाद जा रहा हूँ मम्मी के साथ इस्कॉन। पहले मम्मी का एक दो काम वो भी करवाना है, उसके बाद चलते हैं इस्कॉन और शाम को चलेंगे साइकिलिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए शाम को चलेंगे। ठीक है, बने रहना आज की वीडियो में। अभी आया मार्केट में, मेरे को ना मेरी तबीयत अभी भी खराब लग रही है। पिंड में जाते हुए खराब हो गई थी और अभी तक ना ठीक नहीं हुई है। गला खराब है, खांसी हो रखी है, जुकाम था लेकिन ठीक हो गया है। और दो दिन तो भाई वहाँ पे चेस्ट में भी हल्की हल्की सी पेन रही है लेकिन ठीक हो गया। वहाँ पे मामी ने सेटिंग कर दी थी मेरी, सेट हो गया। एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है बस हल्का हल्का सा गले में खराश, चलो हो जाएगा, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट से वापस। मैं जूस ना अभी अवॉइड कर रहा हूँ लेकिन दिन में पी लूंगा आज, देखता हूँ अगर बनता है तो जूस पी लेंगे भाई। मम्मी का एक छोटा काम था वो हो गया। क्या मौसमी ना भी हूँ? गाजर, गाजर पीटा। मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी कह रही है मौसमी नहीं, वैसे इतना गला खराब है तू गाजर पी ले। मैंने कहा ठीक है गाजर पी लेते हैं, गाजर में भी नींबू नहीं। ठीक है, और बहन जी? ठीक है, बस ठीक है, बस यही कह रहे जितने मेरे। चलो लॉन्ग रूट पे निकालते हैं गड्डी, लॉन्ग रूट पे मम्मी नाल गेड़ी। मेरे को ना खांसी ज़्यादा आ रही है, मैंने कहा पहले मैं दवाई लेके आ जाऊँ सामने से, दवाई लेके आ जाता हूँ होम्योपैथिक, वो सही रहेगी है ना। होम्योपैथिक दवाई लेके आ जाऊँ, वो बेटर रहेगी मेरे लिए। मामा मैं अभी आया, ठीक है आप गाड़ी में ट्रेन, उसके बाद चलते हैं इस्कॉन। यार कब खोलूं मैं ये गेट, कब खोलूं? चल 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 भाई, चल यार भाई लेके आता हूँ अपने लिए। भाई ले ली मेडिसिन, बंदे ने मिट्टी गोलियां नहीं दी। मेरी शक्ल देख के कह रहा कि तू ये ले ले, सिरप ले ले, सुबह शाम सेटिंग बैठ जाएगी। कह रहा ज़्यादा दिक्कत है, गर्म पानी से ले लेना। मैं कहा ठीक है जी। तो चलो भाई अब निकलते हैं कौन। गाड़ी अपनी वहाँ पे खड़ी हुई है, वो हो रही रोड के उस पार। अब यहाँ पे लेके आता फिर घूम के आना पड़ना था मुझे। चलो भाई चल, मैं हाथ ना ऐसे रखता हूँ तो दिक्कत रहती है, ऐसे रख के ब्लॉगिंग मत किया। एक्चुअली तो ये होती है ब्लॉगिंग, मैं ऐसे कर लेता हूँ, आदत पड़ी है ना, ऐसे रखूँगा मैं ब्लॉगिंग। पीपी ऐसे थोड़ी मैंने बोला कि गला खराब होता है। पहले उसने पूछा क्या हुआ, कह रहा बाहर का खाया था। मैं बाहर का नहीं खाया, अपा ब्याह वो ज़्यादा खा लिया, साथ में अंडी कटती वो भी हंसने लगी। अंडी कह रहा मेरा भी सेम, मैं भी लेके आई हूँ प्रॉब्लम, ब्याह वो ज़्यादा खा लिया। मैं कहा बस वही है भाई, गले खराब पकड़े हुए हैं भाई। यहीं पे खोल के ले लेता हूँ, खांसी थोड़ी ज़्यादा उठ रही है। मैं इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। मेरे को एक और चीज़ बतानी थी आपको, जिस जिसके पास नेक्सोन है वो लोग सुनो, अगर आपके पास ऑटोमेटिक है ना तो भाई सिटी मोड में मत चलाना उसको, इकोनॉमी मोड पर चलाना, सही रहोगे, बेटर रहोगे, अच्छी एवरेज आती है। मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा ये चीज़, अभी जब मैंने चलाई है पता लगा मुझे, तो मैं अब इकोनॉमी मोड पे चलाता हूँ तो सही लगती है, सिटी मोड पे ज़्यादा तेल खाती है। चलो भाई हम पहुँचने वाले हैं इस्कॉन। इस्कॉन में पहुँच गया मैं, मम्मी चले गए अंदर, चलते हैं अब दर्शन करने के लिए। आपको भी करवा देता हूँ दर्शन। देखो आवाज़ आ रही है ना, बदल रही है ना, चेंज हो रही है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा बीच में भूत बोल रहा है, बीच में मैं बोल रहा हूँ, ऐसी सी दो दो तीन तीन आवाज़ें निकल रही हैं मेरी, अजीब अजीब सी जाम है पूरा गला। चलो भाई चलते हैं। ब्लैक ब्लैक और परिक्रमा कर रहा हूँ, उसके बाद निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत सुंदर लग रहे हैं लाला माता भाई। तो भाई अब निकल रहा हूँ मैं घर की तरफ, शूज़ मैं गाड़ी में उतार गया था, गाड़ी में पहन लेता हूँ उड़ाउट। चलो भाई घर पे आ गया था मैं, मम्मी को ड्रॉप कर दिया, अब मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा होती है बाहर, अंधेरा हो जाता है 6 बजे। ये खड़ी आराम प्यार कर लो, खोलो हो भाई। आज मैंने रनिंग नहीं की, आज सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग की थी। पूरा 1 घंटा हो गया साइकिलिंग चलाते हुए।
भाई बस अब घर की तरफ निकल रहा हूँ मैं। पसीना ना इतने ठंडे साथ के साथ ही सूख जाता है। साइकिलिंग करके मैं आ गया था घर पे, बस बैठा हूँ एडिटिंग के लिए और बाल बहुत ही गंदे लग रहे हैं। यहाँ से बांध लेता हूँ ये निकल जाते हैं, ये छोटे हैं ना, लेकिन यार मैं कटवा नहीं रहा, अगर लंबे हो गए तो सारे के सारे करूँगा लंबे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना मेरी मोटिवेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।